मिसेस डॉली लिवाय, वैसे आप काम क्या करती हैं? कोई कपड़े सिलता है, कोई चित्र बनाता है, मैं औरों के मामलों में दखल देती हूँ। सबकी जानी पहचानी, सबकी प्यारी हूँ, नाम है डॉली, बुझो तो क्या है काम। हाय फन बॉल, सब कुछ जानने वाली नारी, सब कर देगी डॉली। कुत्ते को घुमाना हो, डॉक्टर को दिखाना हो, सब कर देगी डॉली। तनख्वाह बढ़ाना हो, मकान बनाना हो, खाना पकाना हो, कभी भी बाल बनवाने हो, फूल खिलवाने हो, बिजली करो के अलावा और कुछ नहीं, तरह तरह के काम। तुम्हारे तो इतने धंधे हैं जितने कि एक कुत्ते के बदन पर पिस्सू। जैसा कि मेरे स्वर्गीय पति इफ्रेम लिवाई फरमाया करते थे कि जिंदगी में गुर्बत मिली हो तो समझ सकते हैं, लेकिन ख्यालों में गुर्बत क्यों? कहाँ को डाली? न्यूयॉर्क इज न्यूयॉर्क। वहाँ के जाने माने अविवाहित अदलक पति हॉरेस वेंटगेल्डर का एक बहुत ही निजी मामला संभालने जा रही हूँ। क्यों, उनसे शादी का इरादा है? अरे मिस्टर सुलिवन, ऐसा बेमानी ख्याल मेरे दिमाग में, मेरा मतलब आपके दिमाग में आया कैसे? सिस्टर ने धोखा खाया हो, मिस्टर का घर दिलाया हो, गम न करे ना जी, बच्चे की एडमिशन हो, डिवोर्स की पिटीशन हो, या डूब के मरे ना जी, सिलवाना हो, डर का है का, सब कर दे।
कह रहा हूँ कि मैं उससे शादी जरूर करूंगा। मेरी इजाजत के बिना नहीं, कभी नहीं। ये आजाद देश है, किसी की रियासत नहीं। और मीना शादी के लिए राजी है और ये शादी होकर रहेगी। मैं कह रहा हूँ नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ होगी। कभी नहीं। कल आज तुम और मीना के लायक नहीं हो। तुम उसकी जिम्मेदारी क्या उठाओगे? तुम ठहरे एक चित्रकार। अच्छी कमाई कर लेता हूँ मैं। कमाई मिस्टर कैंपर तब होती है जब कोई वो चीज बनाए जिसकी लोगों को साल में कम से कम एक बार जरूरत हो, और मोटी कमाई वो चीज बनाने पर होती है जिसकी लोगों को हर रोज जरूरत हो। तुम चित्रकार लोग ऐसी चीजें बनाते हो जिसकी किसी को कभी जरूरत नहीं होती। तो आप भी जान ले, हमारी नजरों में शादी का कोई भी रास्ता गलत या नाजायज नहीं है, और कोई रास्ता हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। तो मैं बेवकूफ बेहोता इंसान हूँ? आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। हमारी हर बात से बेइज्जती टपकती है। तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया। अरमीना बालिक है और कानून के अनुसार कानून का काम है अपराध रोकना, और हम अकलमंदों का काम है बेवकूफी रोकना। तुम देखना मैं कैसे अपनी भतीजी को तुमसे शादी करने से रोकता हूँ, और इसके लिए मैं जरूरी कदम भी उठा चुका हूँ। मिसेस डॉली लिवाय यहाँ के लिए रवाना हो चुकी है। डॉली लिवाय, वो शादी कराने वाली दलाल जिसे आपने अपने लिए किसी को ढूंढने को कहा है। तुम अपने काम से मतलब रखो। वो अरमीना को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाएगी, और जब तक ये जुनून ठंडा नहीं हो जाता उसे वहीं पर रखेगी। अच्छा, देखता हूँ कैसे होता है। तशरीफ लाने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। हिलिए डुलिए मत और गर्दन सीधी रखिए। अगर गले पर धार लग गई तो मेरा जुर्माना होगा। दुनिया में 99% लोग बेवकूफ होते हैं, और बाकियों को उनसे ये बीमारी लगने का खतरा है। बंद करो ये सब, बहुत व्यस्त आदमी हूँ मैं। अगर दाढ़ी भरी का बाल रह भी गया तो कोई बात नहीं, अभी बहुत काम निपटाने हैं। तुम्हारे पास वो लोशन नहीं है जो तुम छोकरे लोगों को लगाते हो? मुझे न्यूयॉर्क पहुंचना है जहां मेरी एक बहुत ही सभ्य महिला से मुलाकात तय है। आपकी महिलाओं से मुलाकात में मेरी कोई रुचि नहीं है, और 50 सेंट में बस इतना ही होता है। सबान को लगान दो जो। अंकल हॉरिस। हाँ, क्या हुआ? आपने एम्ब्रोस के साथ क्या किया है? जरासी प्यार भरी गुफ्तगु। गुफ्तगु? हाँ, मैंने उसे समझाया है कि वो अव्वल दर्जे का बेवकूफ है। इससे क्या मैं पिघल जाऊंगा? मैंने तुम्हारा भला किया है। जब 50 की हो जाओगी तो मेरा शुक्रिया अदा करोगी। लेकिन अंकल मैं प्रेम करती हूँ उससे। अपने आंसू न्यूयॉर्क के लिए बचा के रखो, यहाँ कोई कदर नहीं होगी इनकी। लेकिन मैं प्रेम करती हूँ उससे। नहीं करती हूँ। करती हूँ। ये बातें मुझ पर छोड़ दो। अगर मेरी आंसू उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। किस वजह से? दिल टूटने की वजह से। ऐसा होते कभी नहीं सुना। मिसेस लिवाय आने वाली है, तुम तैयार हो? थोड़ा और तैयार हो जाओ, और उसके आने तक अपने कमरे में ही रहो। कॉर्नेलियस बार्नबी, बार्नबी कॉर्नेलियस बार्नबी। आपने पुकारा मिस्टर एंडिकेल्डर? हाँ, कई बार पुकारा। मेरी भतीजी का सामान स्टेशन पहुंच गया है जी, और उन पर ठीक से लेबल लगा दिए हैं जी। मैं जरूरी काम से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, बाद में परेड में मिस करूंगा जी मिस्टर एंडिकेल्डर। और अब इस मौके के उपलक्ष्य में मैं तुम दोनों की तरक्की करता हूँ। कॉर्नेलियस, क्या उम्र है तुम्हारी? 28 मिस्टर वैंडरगेल्डर। बस, ये भी भला कोई उम्र हुई? मैंने तो सोचा तुम 40 के। जी नहीं, मैं 28 का हूँ। आदमी की कीमत 1 कौड़ी बराबर होती है, जब तक वो 40 का ना हो जाए तब तक हम उसे गलतियां करने के लिए पगार देते हैं। खैर, मैं तुम्हें आज से चीफ क्लर्क करा रहा हूँ। चीफ क्लर्क? तो मैं अभी क्या हूँ? अभी तुम कच्ची उम्र के बेवकूफ हो। अगर तुम्हारा बर्ताव सही रहा तो मैं तुम्हारी तरक्की कच्ची उम्र के बेवकूफ से चीफ क्लर्क में कर दूंगा। धन्यवाद मिस्टर एंडरगेल्डर। और तुम बार्नबी, मैं तुम्हारी तरक्की मंदबुद्धि मूर्ख से नलायक क्लर्क में कर रहा हूँ। धन्यवाद मिस्टर एंडरगेल्डर। मिस्टर एंडरगेल्डर, मिस्टर एंडरगेल्डर, क्या बात है? क्या चीफ क्लर्क को सप्ताह में 1 शाम की छुट्टी मिलती है? तुम्हारा ये तरीका है मेरा शुक्रिया अदा करने का? नहीं जनाब, तुम्हें हर रोज की तरह दुकान संभालनी होगी। ही जी मिस्टर वैंडरगेल्डर। यो छुट्टी मांगते रहे तो हो सकता है तुम्हें 1 दिन लंबी छुट्टी मिल जाए। जी मिस्टर वैंडरगेल्डर। जब लौट के आऊं तो ये सुनने को मिले कि तुम दोनों ने दुकान सही संभाली। अगर कुछ उल्टी सीधी खबर मिली तो दोनों को बर्खास्त कर दूंगा। जी मिस्टर वैंडरगेल्डर। और बाकी खबर भी सुनी लो, जब लौट के आऊंगा तो यहाँ कुछ तब्दीली होने वाली है, तुम्हारी मालकिन आने वाली है। तो आपका क्या होगा सर? वही जो शादी के बाद हर मर्द का होता है। शादी? हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ, कोई इतराज नहीं। लेकिन? लेकिन क्या? मेरा मतलब लेकिन? बोलो क्यों? क्यों क्या मतलब? बेवकूफ, उगलो तो सही। शादी क्यों कर रहे हैं आप? बच्चे एक बात समझ लो, मैंने जी तोड़ मेहनत की है, दौलत कमाई है, लेकिन बहुत तन्हा और खुदगर्ज हो गया। और अमेरिका में आप इतना ही आगे बढ़ सकते हैं। वक्त आ गया है थोड़ी सी दीवानगी का, साथ में मुझे घर बार संभालने वाला कोई चाहिए। घर में जो ना हो एक सुंदर नारी, तो
घर लगता है भारी भारी, घर बनता है जब मिलती है कोई नाजुक सी भोली सी प्यारी प्यारी। जी हाँ, बिन पत्नी के बिन बीवी के घर ना हमें ये सुहाग। ओ जी हाँ, बिन गोरी के बिन सजनी के घर ना ये घर कहलाए। खाना बनाए और पानी भरे, कपड़े जो धोए और बर्तन करे, पौधों को पानी दे, मुर्गी को दाना, घोड़ों को चारा और हस्बैंड को खाना। जी हाँ, बिन पत्नी के बिन बीवी के घर ना हमें ये सुहाए। ओ जी हाँ, बिन गोरी के बिन सजनी के घर ना ये घर कहलाए। छत टपके या नलका बहे, वो जो ना हो तो कोई किससे कहे। कूड़ा निकाले दे पशुओं को पानी, सोने से पहले रखे चूहे दानी। जी हाँ, बिन पत्नी के बिन बीवी के घर ना हमें ये सुहाए। ओ जी हाँ, बिन गोरी के बिन सजनी के घर ना ये घर कहलाए। पागल हो जा रही है, उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाइए, लेकिन पहले उसे अपनी नाक साफ करने को कहिएगा। काश आइरीन इस समय आपको देख पाती। ये क्या झपकट लगा रखा है। और तुम दोनों दुकान के भीतर चलो और तेल के ड्रम को याद से रख देना। समझ नहीं आता कैसा जादू है, आप दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं। अगर इंसान अपनी खुराक का ध्यान रखे तो भला चेहरे पर उम्र क्यों छलके। सत्य बोला आपने, जरा अपना हाथ दिखाइए। और दिखाइए ना मिस्टर वैन द गेल्डर। किस लिए? मैं हाथ पढ़ना जानती हूँ, हाथ पढ़कर तकदीर बता देती हूँ। हाथों में तकदीर तो होती है, लेकिन वो पढ़ने से नहीं कुछ करने से उभरती है। फिर सत्य बोला आपने। हे भगवान कृपा निधान, ये सच है कि धोखा? इतनी लंबी रेखा जिंदगी की कहां यहां से कहां तक जाती है मालूम नहीं, हाथ के किनारे तक भी रुकती नहीं है। तुम तो हम सबको मार कर मरोगे मिस्टर वैन द गेल्डर। अच्छा, आज बहुत बन ठन के निकले हैं। क्यों? बाहर खड़ी घोड़ी के लिए तो नहीं किया होगा ये साज श्रृंगार? अगर मैं बूझूं तो लगता है कहीं जाने की तैयारी है। कमाल है मिसेस लिवाय, ऐसे कैसे जान लेती हैं आप? ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ कर दिया है। अगर उसका सही इस्तेमाल करोगी तो एक दिन बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास। मेरा दिल भी कुछ यही कहता है। तो फिर मेरी बात मानो, अपना काम शुरू करो और अरमीना को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाओ। बहुत पैसा दे रहा हूँ तुम्हें इस काम के लिए। पैसों से याद आया मिस्टर वैन द गेल्डर, शायद आपने शादी करने का विचार छोड़ दिया है। छोड़ दिया है ऐसा लगता है तुम्हें? तो सुनो मिसेस लिवाय, मैंने तय किया है, मैंने निश्चय किया है कि आइरीन मिलोय से मेरी पत्नी बनने को कहूंगा। वाकई मिस्टर वैन द गेल्डर? जी हाँ, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और आज दोपहर ही मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। ओ मिस्टर वैन द गेल्डर, इससे बढ़िया खबर तो मैंने आज तक नहीं सुनी। मेरा मतलब मैं सोच रही हूँ, मुझे इससे पहले इतनी खुशी कब मिली है, लेकिन कुछ सोचता ही नहीं। मेरा मतलब इससे बेहतर और क्या हो सकता है? सब तुम्हारी करनी है, तुमने मेरे दिमाग में शादी करने की बात डाली और षड्यंत्र रचा। एक अकेली विधवा को आखिर रोजी तो कमानी है। एक दिन आँख खुली तो देखा घर सीप जैसा खाली है। बिल्कुल है। और कबाड़ से भरा हुआ। बिल्कुल है। आदमी को कोई चाहिए जो कूड़ा निकाल सके। और आइरीन मिलोय इस काम के लिए सही है। ये सोच के कितना अच्छा लगता है कि आपके घर में कैसा परिवर्तन आने वाला है। मुझे ये कभी ठीक नहीं लगा कि आपकी बेशुमार दौलत बैंकों में पड़ी सड़ती रहे, मरे हुए जानवर की तरह निश्चल और बेकार। जैसा कि मेरे स्वर्गीय पति इफ्रेम लिवाई का कहना था कि धन संपत्ति को बरसात की पानी की तरह निरंतर चलते रहना चाहिए, गली कूचों में लोगों के समीप बहना चाहिए, छोटी दुकानों और व्यापारियों के बीच कहीं कोई व्यवसाय चलाता हुआ, कहीं किसी की जिंदगी उजागर करता हुआ। ठीक है, अब भाषण बंद करो। जरूर जरूर। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और जब न्यूयॉर्क पहुंचूंगी तो उस करोड़पति
पति की बेटी से कह दूंगी कि अब इंतजार का कोई फायदा नहीं। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, सिर्फ एक शब्द, करोड़पति। एक मिनट, ये तो कोई मामूली बात नहीं है। आपके लिए मैं मामूली लड़कियां खोजने के लिए इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब क्या फायदा, आपकी तो आयरिन मलॉय से बात पक्की हो गई। बात पक्की कहाँ हुई है? मैं इन खानदानी हसीनाओं को नाराज नहीं कर सकती अगर आपके इरादे पक्के नहीं। कौन कहता है कि मेरा इरादा कमजोर? आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। खतरनाक? जरूर, जोखिम से भरा हुआ। इसका नाम है एक औरत के जज्बात से खिलवाड़ करना। इस आरोप से बचने का बस एक ही रास्ता है। आपको शादी करनी होगी। तुम बेफिक्र रहो। मैं आपको आयरिन मलॉय के हैट्स के शोरूम के सामने ठीक 2 बजे मिलूंगी। तकलीफ क्यों उठाती हो? तुमने अपना काम कर दिया है। मैं इसे किसी कीमत पर भाग्य भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। कुछ गलत हो गया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। तुम्हारा काम है सिर्फ अर्मीना का ख्याल रखना, वरना जो मेहनताना तुम्हें दिया गया है वापस लेना होगा। पैसों की बात छेड़ी है तो कितना? मेरा पैसा मेरे बैग में था जिसे मेरा कुत्ता चबा गया पैसों समेत। धन्यवाद आपका। अपने हसीन चेहरे पर चिंता की शिकन ना ले दे, बस अपनी दिल रुबा आयरीन मलॉय के तसव्वुर में डूबे रहिए। औरत के हाथों में है उसकी डोर, ले जाए उसको चाहे जिसो। समझ होती तो शटर्स पर हरा रंग कराते, जंगल के घने वृक्षों जैसा हरा भरा। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, मेरे अंकल वो प्रस्थान कर चुके हैं, अब जल्दी हमें निकलना है। जल्दी करो नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। न्यूयॉर्क जाने वाली, हम वहां जाकर शादी करेंगे। घर से भागकर शादी, ऐसा करना ठीक नहीं है एम्ब्रोस। ओ अर्मीना, ये तो अत्यंत रोमांचक दृश्य है। मिसेस लीवाई, आप प्लीज एम्ब्रोस को समझाइए, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ लेकिन भाग कर नहीं। मिसेस लीवाई का इससे कुछ लेना देना नहीं है। डॉली लीवाई का हर बात से लेना देना है। इसकी मत सुनो, मैं जानता हूँ तुम यह क्या करने आई हो। मदद करने, मोहब्बत को हर तरह की मदद की जरूरत होती है। जरा रुको, मेरी बात तो सुनो। वक्त निकला जा रहा है और देखो, इस तरह भागने से बात नहीं बनेगी। अगर मेरे कहे पर चलोगे तो ना ही वो तुम्हें शादी की इजाजत देगा, बल्कि तुम्हारी शादी पर नाचेगा भी अपनी संगिनी के साथ। मिस्टर कैंपर, आपको डांस करना आता है? डांस? मैं एक फनकार हूँ मिसेज लीवाय, मेरा काम तस्वीर बनाना है। कोई दिक्कत नहीं मिसेज लीवाय, कलाकारों को नाच गाना सिखाया जाता है। अब सुनो हमें क्या करना है, मैं तुम्हें न्यूयॉर्क ले चलूंगी। देखा मैंने क्या कहा था? तुम पास ही रहोगे। आज रात तुम इसे हारमोनिया गार्डन डिनर पर ले जाओगे। वहाँ का हेड वेटर है रुडोल्फ राइजनवेबर, मुझे अच्छी तरह जानता है। हम तुम्हारा नाम पोल्का डांस कॉम्पिटिशन में शामिल करेंगे। पुरस्कार में है एक गोल्ड कप और कुछ रोकड़ा। तुम वो जीतोगे। ओ, कितने कप जीते हैं मैंने और मेरे पति ने। एक मिनट, तुम्हारी ऐसी जगहों पे जान पहचान कैसे है? जान पहचान नहीं अर्मीना, मित्रता, पुराने समय के दोस्त आशना। मेरे स्वर्गीय पति इफ्रेम लिवाय जिंदगी में विश्वास रखते थे। हर जगह मिल सकती है, जहाँ लोग है इंसान है, तरह तरह के इंसान। और हर शुक्रवार की रात को, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, हर जुम्मा रात को हारमोनिया गार्डन्स की सीढ़ी से उतरते आते थे हम, मैं और इफ्रेम। जान पहचान के लोग नहीं अर्मीना, मित्रगण। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आप कह रही हैं कि हम लोग ऐसी जगह पर? मिस्टर कैंपा, आप हॉरिस को दिखाना चाहते हैं कि आपके इरादे बुलंद हैं या नहीं? जी हाँ। फिर ठीक है, हारमोनिया गार्डन्स जाओ और कहो कि मिसेज लीवाई ने भेजा है। और हाँ, रुडोल्फ,
रुडोल से कहना कि डॉली वापस आने वाली है और मुझे आज रात 8 बजे एक टेबल चाहिए और एक चिकन। मिस्टर वैंडरगेलर को पता चलेगा कि तुम जीत गए और अंत भले का भला होगा। लेकिन कैसे मिसेज लिवाई, कैसे? कैसे कैसे? पौने 28 बरस का हो गया लेकिन फिर भी एक शाम की छुट्टी नहीं मिलती। मैं जीना कब शुरू करूंगा बार्नबी? जेब में कितनी रकम है? हैं? मेरा मतलब कितनी रकम जुटा सकते हो? करीब $3। क्यों? मैं और तुम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। नहीं जा सकते कॉरिलियस, दुकान पर ताला लगा दे। लगा दो ताला, शटर बंद कर दो। हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं दिल में जीने की उमंग लिए। अच्छा खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे, जोखिम उठाएंगे, शायद अंदर भी हो जाए और सारे पैसे लुटा देंगे। हे भगवान। एक बात और, हम बिना किसी कन्या का चुंबन लिए यॉर्कर्स वापस नहीं लौटेंगे। ऐसा कैसे करोगे कॉर्नेलियस, तुम तो किसी लड़की को जानते नहीं हो। कुछ तो करना होगा बार्नबी, मैं 28 बरस का हूँ, अब नहीं तो कब करूंगा। मैं सिर्फ 22.5 का हूँ, मेरे लिए कोई जल्दी नहीं। चाहते हुए भी तुम्हारी बातें मेरे कान में पड़ी। गई नौकरी है, हम तो यूं ही ख्याली पुलाव बना रहे थे। वाह, ऐसे ख्यालों का क्या कहना कॉर्नेलियस बार्नबी, सोच कर ही जी प्रसन्न होता है। दो भले नवयुवक, दो प्रियकर कन्याओं के साथ। कौन सी कन्याएं, कहां? न्यूयॉर्क में मिस्टर कॉर्नेलियस। और अगर मेरे कान नहीं बज रहे हैं तो आप दोनों वहीं तशरीफ ले जाने के पुलाव बना रहे हैं शायद। वहां एक मिलिनरी शॉप है जिसकी मालकिन एक आकर्षक महिला है, आइरीन मेलॉय, और उसकी मोहक असिस्टेंट मिनी फेंग। पता आपने नोट कर ही लिया है तो जान लीजिए कि दोपहर 2 बजे का वक्त वहां जाकर दोस्ताना बातचीत करने के लिए उत्तम रहेगा। और अगर तुम्हारे मुंह से निकला कि ये सुझाव मेरा है तो मैं तुम दोनों को पैदाइशी झूठा करार दे दूंगी, जो कि तुम हो। मिलिनरी की दुकान, नौकरी करने वाली लड़कियां, मस्ती बार्नबी, डर लगता है जिंदगी बार्नबी, डर लगता है कमाओगे बार्नबी। हाँ कॉर्नेलियस, हाँ। ब्रॉडवे की जगमग, ऊपर दौड़ती रेलगाड़ियां, बार्नम म्यूजियम में बेल मछलियां। जगमग गाड़ियां, मछलियां, वाओ। नौकरी करने वाली लड़कियां, वाओ। चलो अपने छुट्टी वाले दिन के कपड़े पहन लो, हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। वहां यॉर्कर्स से भी आगे एक सनसनाता शहर है, वहां चमक और झिलमिल से भरा। आंखें मूंद के देखो बार्नबी, स्वर्ग नजर आएगा। सुनो बार्नबी, यॉर्कर्स के आगे है एक जहां, इस्माइल गांव से दूर बार्नबी, मस्ती से चूर बार्नबी, एक शहर जिसमें रौनक है आठों पहर, चलकर अपनी किस्मत चुनो बार्नबी, सुनो बार्नबी। आपने खोल के बाहर कुछ देखा है क्या, दुनिया रंगीली है इस बार, मस्ती की शामों में डूबेंगे। हाँ माता हवाएं सुंदर कला करती वहां इंतजार, सतज के निकलो सैर जाएंगे, घोड़ों की पंखी में सवार, देखेंगे भूमि घूमेंगे और घर का लौटेंगे हम, जब तक ना ले कन्या का चुंबन। आए तुम लोगों के पास मुस्कान।
इसे खत्म भी करो मिनी, सब लोग हमें घूर रहे हैं, लेकिन गलत वजह से। मेरी मम्मी ने कहा है कि हर रोज एक केला खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। केला नहीं, सेब। सेब के छिलके पर भी कभी कोई फिसला है। आज कैसी है मिस मलॉय? सुबह की किरण जैसी, तरोताजा और प्रसन्न। ये हुई ना बात। बातें तो बहुत हो सकती हैं, पर क्या करूं, कमबख्त मेरे साथ होती ही नहीं। ओ, मेरा पूछना अच्छा तो नहीं लगता? आप इसलिए खुश हैं कि मेरा मतलब? मैं इस बात का बुरा नहीं मानती कि तुम अपना काम पूरा नहीं करती हो, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं करती हो, ये नहीं सहा जाता मुझसे। मैं पूछना चाहती थी कि क्या सचमुच में आप? बेवकूफ लड़की, कह भी डालो, क्या मैं होरेस वैंडगेल्ड से शादी करने वाली हूँ? हाँ, सोच तो रही हूँ, अगर वो मुझसे कहे तो। वैसे तो ये आपका निजी मामला है, लेकिन फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो धनवान है, इसलिए वो मुझे इस मिलनरी के काम से मुक्त करा सकता है। मुझे हाथ से नफरत। नफरत? दिन कैसा बीत रहा है ऑफिसर गोगार्टी? कल से बेहतर मिस मलॉय। हाँ मिनी, न्यूयॉर्क के सभी आकर्षक मर्द शादीशुदा क्यों हैं? आप आज कैसी बातें करती हैं? मर्दों के बारे में बात करना तो स्वाभाविक है। मेरा मतलब आपके हैट्स के बात से था। क्या सच में आपको नफरत है? सच में विनी फे, हैट्स की दुकान चलाने वाली सभी महिलाओं को चरित्रहीन समझा जाता है। आधे लोग जो दुकान में आते हैं हैट्स को नहीं हमें देखने आते हैं। तमीज। और खरीदने की बात करो तो दुम दबा कर भाग लेते हैं। अच्छा है जान छोटी, हमें उनकी जरूरत है भला? जरूरत है, यही तो रोना है। अब मैं क्या होटल रेस्टोरेंट में जाती हूँ? नहीं, दुकानदारी खराब होगी। मैं कोई पार्टी में या थिएटर या ओपेरा देखने जाती हूँ? नहीं, दुकानदारी खराब होगी। मेरी मुलाकात तो सिर्फ उन्हीं मर्दों से होती है जो मुझे हैट्स के पंख बेचने आते हैं। मिस मलॉय, सिवाय मेरे सब लोग इतनी मस्ती कैसे करते हैं? मस्ती? क्योंकि मुझ में जोश नहीं है, संकल्प नहीं है। या तो मैं उस होरेस वैंडगेल्ड से शादी करूंगी, या फिर पंख लगाकर ये पिंजरा ही तोड़कर उड़ जाऊंगी। ऐसी भक्ति बातें कर रही हैं आप आज? और कितना मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि आज फिर जीने की तमन्ना है मिनी। ये क्या, मिसेस मॉर्टाइमर ने ये भी लौटा भेजा? फिर वही राग, चेरीदार पंख वाला चाहिए, शायद वो भी उड़ना चाहती है। उसे तो नकाब वाला ज्यादा जचेगा। खैर मिनी, मिसेस मॉर्टाइमर के लिए दूसरा हैट बनाओ, ये मैं पहनूं। लेकिन ये आप नहीं पहन सकती मिस मलॉय। क्यों? क्योंकि आप जैसी शरीफ महिला को शोभा नहीं देता। जाने कब तक होगी ये तन्हाई, कब पूरी होगी अपने दिल की आस, कब जाकर होगी अपनी सुनवाई, कब पूछ पाएगी इन होठों की प्यास। मेरे साथ है सिर्फ मेरी तन्हाई, जो संग रहे सुबह हो या शाम। जाने ये कमबख्त कहाँ से आई, कब होगी इस दुश्मन की उम्र तमाम। दो लड़के दुकान को ताके जा रहे हैं। लड़के?
कितने आकर्षक दिखते हैं। आप सोचती हैं वो यहाँ? हाँ जरूर जरूर, अंदर आने का इरादा लगता है उनका। दुकान के अंदर मत, अब हम क्या करेंगे? हंसी मजाक करेंगे और क्या। छोटा वाला तुम्हारा, आप बहुत दुष्ट हैं। चलो जरा सच समझ जाए। वैसे लंबा वाला मुझे अच्छा लग रहा है। मस्ती बांड भी, अभी भी वक्त है, हम यॉर्कर्स की गाड़ी पकड़कर लौट सकते हैं। मेरा सर घूम रहा है। या म्यूजियम में व्हेल मछलियां देखने जा सकते हैं। कन्याय बांड भी, सिर्फ पुतले कॉर्नेलियस, कोई नहीं है यहाँ। चलो चलते हैं। ऐसा मौका निकलने दिया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कितने पैसे बचे हैं? 2 सेंट गाड़ी की टिकट के लिए, 2 सेंट खाने के लिए और 2 सेंट म्यूजियम में व्हेल देखने के लिए। जब वो बाहर निकलेंगी तो हम ऐसे पेश आएंगे कि हम बहुत अमीर हैं। फिर हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये क्यों ना कह दे कि मिसेस लिवाई ने भेजा है। मिसेस लिवाई का नाम मुंह से निकलना भी नहीं चाहिए। हम यहाँ महिलाओं के हैट्स खरीदने आए हैं। कैसी महिलाएं? गुड आफ्टरनून मैम, कितना हसीन मौसम है। हाउ आर यू मैम, और आपके हैट्स कैसे हैं? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत खूबसूरत दुकान है आपकी। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। कॉर्नेलियस हैकल हियर। बार्नबी टकर हियर। आइरीन मलॉय हियर, सो प्लीज्ड टू मीट यू। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हम यहाँ हैट्स के लिए महिलाएं खरीदने आए हैं। एक इनके लिए और एक मेरे लिए। हमें एक हैट चाहिए एक लेडी के लिए। उसने कहा कि मिस मलॉय के चले जाइए क्योंकि वो इतनी सुंदर है। मेरा मतलब उनके हैट्स इतने सुंदर हैं। और मिसेस हैकल को किस तरह के हैट्स पसंद है? मिसेस हैकल? मिस मलॉय, कोई मिसेस हैकल है ही नहीं। हाँ है, तुम्हारी मम्मी। उनका ये मतलब नहीं था। क्यों मिस मलॉय? तो फिर आपकी ये महिला मित्र, क्या वो कभी आपके साथ यहाँ आकर खुद नहीं चुन सकती? असंभव, कोई महिला मित्र भी नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि आपने कहा आप एक महिला के लिए। वो बार्नबी की है। क्या? हाँ वो यॉर्कर्स में रहती है और उसने कहा कि उसके लिए कुछ भी ठीक ठाक सा ले लें। $1 से कम में। पागल हो बार्नबी, कीमत की हमें कोई चिंता नहीं। ओह, ये मेरी असिस्टेंट है मिस मिनी फे, मिस्टर हैकल, मिस्टर टकर। आफ्टरनून मिस फे। आफ्टरनून मिस फे। माफ कीजिए मिस्टर हैकल, आपने यॉर्कर्स कहा। जी मिस मलॉय, हम यॉर्कर्स से हैं। जी हाँ, और ये कहने के लिए माफी चाहूंगा लेकिन आपको यॉर्कर्स जरूर देखना चाहिए मिस मलॉय। बल्कि यूं कहिए कि आपको और आपके उनको दोनों को साथ आकर देखना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि संसार का सबसे खूबसूरत नगर है वो। ऐसा कहते हैं लोग। सुना तो मैंने भी है लेकिन मैं अकेली हूँ और मेरा यहाँ कोई वो नहीं है। खैर, अगर कभी रविवार की शाम आप खाली हो तो। आप कैथोलिक है ना? कोई फर्क नहीं, मैं बदल सकता हूँ। अगर कभी आपके पास वक्त हो तो मैं आपको यॉर्कर्स दिखाना चाहूंगा, ऊपर से नीचे तक। ऐतिहासिक शहर है। हो सकता है मेरा वहाँ जल्दी ही आना। इसी रविवार को? जी हाँ, मेरे एक मित्र हैं जो यॉर्कर्स में रहते हैं, शायद आप उन्हें जानते हो। मैं? वैसे आप भला क्यों जानेंगे उन्हें, मिस्टर वैंडरगेल्डर नाम है उनका। मिस्टर वैंडरगेल्डर? हाँ, होरेस वैंडरगेल्डर, जिनकी वैंडरगेल्डर्स हेयर एंड फीट की दुकान है। जी हाँ, आप उन्हें जानते हैं? नहीं। वैसे वो मुझसे मिलने आज दोपहर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आ रहे आज दोपहर? कॉर्नेलियस, देखो फंस गए बेटा, बच गए। हम आपको बाद में समझाएंगे, अभी हमारी मदद कीजिए। वहाँ से इसी वक्त बाहर निकलिए। हमारा कोई कसूर नहीं है मिस मलॉय। मिस्टर हैकल, मिस्टर टकर, आप दोनों इसी वक्त वहाँ से बाहर निकलिए नहीं तो मुझे पुलिस। मिस्टर वैंडरगेल्डर, आइए, कितनी खुशी हुई आपको देखकर। कभी हम आपको कभी अपनी दुकान को देखते हैं। और डॉली लिवाई, इतने दिनों बाद। आइरीन डार्लिंग, कितनी अच्छी लग रही हो तुम, ऐसा लगता है कोई तुम्हें मिल गया है। आफ्टरनून मिस मलॉय। आपके आने से पूरा न्यूयॉर्क खिल उठता है। हाँ, आज ऊपर यॉर्कर्स में तो खिजा छा गई है। हमने सोचा हम कुछ देर तुमसे आकर मिल ले आईरीन। अगर आपको असुविधा ना हो तो। असुविधा भला किस लिए? मिस वैंडरगेल्डर को लगा शायद उन्हें दुकान में तो ग्राहक दिखाई दिए तो मर्द। महिलाओं की हैट्स की दुकान में। आइए मैं अंदर आपको अपनी वर्कशॉप दिखाती हूँ। दो बार देख चुका हूँ। मुझे आपसे सलाह लेनी है। मिस्टर वैंडरगेल्डर से सलाह सारे शहर को सुननी चाहिए, जो सुनेगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। सलाह तो सस्ते में मिलती है, कीमत तो उस चीज की होती है जो प्यार से किसी को भेंट दी जाए। फिर सत्य कहा आपने, कितना हसीन अंदाज है आपके बात कहने का। थैंक यू मिस्टर वैंडरगेल्डर। चॉकलेट सिरप में भिगोई मूंगफलियां छिलकों समेत। हम इन्हें अंदर क्यों ना खोले? मैं आज यहाँ आया हूँ ताकि मैं आपसे कुछ जरूरी बात कर सकूँ।
मिसेस लिवाय, आप कह रही थी कि आपको कहीं जाना है। मेरी चिंता ना कीजिए, मैं बस इन्हें निहार रही हूँ। जरूरी बात मिस्टर वेंडेगेल्डर, आपके व्यवसाय के बारे में। नहीं, यॉर्कर्स में हैट्स की दुकान खोलना चाहते हैं। सुना है बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक शहर है। हाँ, आगे कहिए, आपको यॉर्कर्स के बारे में कौन बता रहा है, पूछ सकता हूँ? कोई नहीं, सिर्फ एक दोस्त। कैसा दोस्त? वही का रहने वाला है। वाला? जी हाँ। उसका नाम बिस्मिल्लाह? क्या उसका नाम? अगर मुझे ठीक से याद है तो नाम है मिस्टर कॉर्नेलियस हैकल। कॉर्नेलियस हैकल? जी हाँ, आप उसे जानते हैं? वो मेरा हेड क्लर्क है। सच्ची? 10 साल से मेरे पास है, तुम उसे कैसे जानो? यूं ही कहीं इत्तेफाकन मुलाकात हो गई होगी। इत्तेफाकन? कॉर्नेलियस हैकल को कोई हक नहीं है किसी से इत्तेफाकन मिलने का। कहाँ हुई थी मुलाकात? मिस्टर वेंडेगेल्डर, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? चलो अब सच उगल ही देते हैं, आपका हेड क्लर्क कोई मामूली इंसान नहीं है, काफी हैसियत है उसकी। बकवास! बहुत आना जाना है उसका यहाँ, जगह जगह जान पहचान है, बहुत लोकप्रिय है, सब उसे जानते हैं। उसका कहीं आना जाना नहीं है, वो दिन भर मेरी दुकान में काम करता है और रात को भूसे वाले कमरे में सोने चला जाता है। ऐसा मानना है आपका, लेकिन वो सच नहीं। टॉली लिवाय, तुम धोखा खा रही हो। आपका सर हमेशा बही खातों में डूबा रहता है, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। दिन में कॉर्नेलियस आपका शरीफ वफादार क्लर्क है, रात में रात आने पर दोहरी जिंदगी जीता है बस। कभी वो ऑपरा में होता है तो कभी टॉप रेस्टोरेंट्स में या फिर रईसों के घर में। हफ्ते में 3 बार हारमोनिया गार्डन्स भी जाता है। सच तो ये है मिस्टर वेंडेगेल्डर कि वो न्यूयॉर्क का सबसे आकर्षक, मनमोहक, दिलकश, लोकप्रिय, प्रसिद्ध इंसान है, द ग्रेट कॉर्नेलियस हैकल। कोई और होगा? अगर मुझे पता चला कि कॉर्नेलियस हैकल न्यूयॉर्क आता जाता है तो बर्खास्त कर दूंगा उसे। वैसे उसके पास ये सब करने के लिए पैसा कहां से आया? बहुत अमीर है वो। अमीर? हाँ, उसका पैसा मैं अपनी तिजोरी में रखता हूँ, $113.50 है उसके नाम। हैकल परिवार से? हाँ, जिन्होंने राउटन कनाल बनाई है। तो फिर वो मेरे यहाँ काम क्यों करता है? बताती हूँ, उसका भी एक कारण है। नहीं सुनना मुझे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वो कोई और आदमी है। कॉर्नेलियस हैकल मेरी दुकान के पिछवाड़े सोता है, मैंने हाल ही में उसे चीफ क्लर्क बनाया है। पार्टनर बनाना चाहिए था, लेकिन आप में इतनी अकल कहाँ? आईवी, देख रही हूँ काफी भाग गया है वो तुम्हें। डॉली, ये क्या कह रही हो? अब इतनी जल्दी उससे शादी की मत सोचो। मैं तो उससे सिर्फ एक बार मिली हूँ। दिल ऐसे तोड़ता फिरता है जैसे कच्चे बादाम। कौन? कॉर्नेलियस हैकल। मिस मिलॉय, वो आपको मिलने यहाँ कब से आ रहा है? मिस्टर वेंडेगेल्डर, अगर मैं कहूँ कि वो मुझसे मिलने नहीं आता रहा है। एक्सक्यूज मी, अभी नहीं मिली। गाना बंद करो। एक साथ में मजाक मत करो और हमारी बातों के बीच में दखल मत दो। जाओ अंदर जाकर अपना काम पूरा करो। जाओ, काम के बोझ से बेचारी थक गई है। अगर अंदर कोई आदमी है तो उसे भी निकाल दे देते हैं। जो भी हो तुम बाहर निकलो। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल पागल नहीं हूं मैं। इससे पहले कि आप ऐसा भी कदम बढ़ाए या कुछ भी कहे जिससे आपको पछतावा हो। डॉली, अंदर एक आदमी है। मैंने क्या कहा था? और वो वहाँ कैसे पहुँचा ये मैं समझा भी सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कहूंगी कि तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया और अलविदा। आच्छी! आच्छी! एक और, एक और। हे भगवान, यहाँ तो यत्र तत्र सर्वत्र आदमी छिपे बैठे हैं। मिस मिलॉय, मैं आगे से आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा और आपसे भी यही उम्मीद रखूंगा। हॉरेस, कहाँ जा रहे हो? परेड में हिस्सा लेने, उन लोगों के साथ जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं। 700 मर्द। आप मिस मिनीफे से मिल चुकी हैं? मेरी दुकान से निकलो, नहीं तो अभी ऑफिसर को गाठी को बुलाती हूँ। आई कारागार भी कोई जगह है इन बच्चों को भेजने की? कहीं, कहीं, कहीं। एक साथ मत बोलो। सिर्फ इसलिए कि तुम अमीर हो। इनकार मत करो। इसका ये
यह मतलब नहीं कि तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलेगी। और सजा यह है कि तुम आज रात इन दोनों को डिनर पर ले जाओगे। क्यों मिस्टर हैकिल? जरूर जरूर, इसी के लिए तो हम यहाँ आए थे। मिनी, अब तक हमने इज्जत की जिंदगी गुजारी है, अब नाम खराब हो ही गया है तो इसका लाभ भी उठा लो। इसी में समझदारी है। कॉर्नेलियस, स्टेशन पर एक सैंडविच की दुकान है। सैंडविच की दुकान नहीं चलेगा, हमें एक शानदार जगह पर उम्दा खाना चाहिए। और हारमोनिया गार्डन से बेहतरीन कौन सी जगह हो सकती है? तुम्हारा पसंदीदा रेस्टोरेंट। मेरा पसंदीदा? लजीज खाना, लाइफ ऑर्केस्ट्रा, साथ में पोल्का डांस कॉम्पिटिशन। रुडोल्फ तुम्हें सबसे बढ़िया टेबल देगा। हम वहाँ नहीं जा सकते। नहीं जाएंगे, बस तय हो गया। मिनी, चलो दुकान बंद करते हैं और आज शाम की छुट्टी। मेरा मतलब, मुझे गलत मत समझिएगा, बात पैसों की नहीं है, लेकिन लेकिन क्या मिस्टर हैकर? प्रॉब्लम है डांसिंग की। मुझे डांस करना नहीं आता और वहाँ कॉम्पिटिशन है खारगुनिया में, जो भी नाम है उसका, और सीखने में दिन महीने साल लग जाएंगे। पौने 28 बरस के चीफ क्लर्क को डांसिंग। अपने साथी के संग घूमो, उसको बाहों में घूमो, हाल हल्के से, हाल से धीरे से, हाथ चलाओ। मेरा दिल कर रहा है धक, मेरा सर न जाए फट। मैं कॉर्नेलियस हैकिल डांस कर रहा हूँ। जरूर कर रहे हैं मिस्टर हैकिल, अब तुम्हारे बारे में मिस्टर टकर। क्या? अपने साथी के संग घूमो, उसको बाहों में ले घूमो, और हल्के से, हल्के से, धीरे से हाथ चलाओ। अपने साथी के संग चलिए ना मिसेस लिवाई। कितनी खूबसूरत दुनिया है डॉली, जल्दी करो नहीं तो परेड निकल जाएगी। इससे पहले कि कारवां गुजर जाए फ्रेम, मुझे जाने दो। बहुत वक्त बीत गया है फ्रेम, जैसा तुमने मुझे करने को कहा था। हर रात मैं किटी को सुलाकर अपने लिए एक ड्रिंक बनाती हूँ और सोने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं किसी की मोहताज नहीं, कि मैं स्वतंत्र हूँ, कि किसी और की जिंदगी के तार मुझसे उलझे हुए नहीं हैं। लेकिन हाल में फ्रेम, मुझे ये एहसास होने लगा है कि काफ़ी समय से मेरी आँख से एक बूंद आंसू भी नहीं टपका है, ना ही कभी एक पल के लिए मुझे बेनतहाशा खुशी मिली है। देखो, ये हॉरेस वेंडर गेल्डर कहता रहता है कि दुनिया मूर्खों से लबालब है। और ठीक ही तो कहता है वो। मेरा मतलब,
वो आइरीन कॉर्नेलियस मैं। एक वक्त आता है जब आपको तय करना पड़ता है कि आप मूर्खों के बीच मूर्ख बनकर रहेंगे या अलग अकेले मूर्ख बनकर, और मैंने फैसला कर लिया है एफ्रेम। लेकिन मेरे दिल को तसल्ली तब मिलेगी एफ्रेम अगर तुम मुझे किसी इशारे से कह दो, कोई भी इशारा, कि तुम्हें ये मंजूर है। मैं लौट रही हूँ एफ्रेम, इंसानों की बस्ती में फिर शामिल हो रही हूँ। इससे पहले कि कारवां निकल जाए, इससे पहले कि जिंदगी गुजर जाए, मुझे कदम बढ़ाना है, मुझे हिम्मत जुटाना है। दोस्तों के संग, हम दिलों के संग इस सफर में जुड़ जाना है। दिल में जोश हो, जिगर में शौक हो, खुद अपनी कैद से खुद ही आजाद हो, पंछियों के संग उड़े जाना है। मेहनत का पैसा कमा रही हूँ। परेड में हिस्सा लेने गई थी, मीट पैकर्स की झांकी में थी मैं। मीट पैकर्स की? मुर्गी बकरी और सुअरों के साथ? जानवरों के साथ, क्या अगर ज्यादा पैसे मिले तो मैं जानवर बनने को भी तैयार हूँ। ओफो, मैं यहाँ तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए आया। मुझे आपसे माफी मांगनी थी, मैंने सोचा झटपट कर डालूं तो क्या हर्ज है। और मुझे तुमसे अपनी फीस वापस मांगनी थी, वो भी झटपट कर डालो। मुझे किसी ढंग की लड़की से मिलवाने की बजाय तुमने मुझे उस हैट वाली के झंझट में फंसा दिया। हाँ आइरीन, वो तो बहुत बेकार निकली। तो मैं बताना चाहूंगा कि बेकरी वाले ने मूंगफली का डब्बा वापस लेकर मेरा एक एक सेंट लौटा दिया है। माफी चाहती हूँ, मैं कभी आया हुआ धन लौटाती नहीं हूँ। लेकिन एक ईमानदार औरत होने के नाते जिस काम के मैंने आपसे पैसे लिए उसे पूरा करके ही रहूंगी। मैं पूरा करने दूंगा तब ना। कान खोल कर सुन लो, तुम्हें आज से ही इस काम से निवृत्त किया जाता है। आज से तुम मेरे लिए बस एक साधारण महिला। वाकई? जी हाँ। आपकी भावनाओं को ठेस लगी है, समझती हूँ मैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहूंगी कि आज रात डिनर के पश्चात आपको मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिनर? हाँ, हारमोनिया गार्डन्स में प्राइवेट डाइनिंग रूम, सब इंतजाम हो गए हैं। वो इंतजार कर रही होगी। कौन? कौन इंतजार कर रही होगी? कौन इंतजार कर रही होगी? वही धनी बाप की सुंदर बेटी जिसके बारे में सुबह मैंने योंकर्स में तुम्हें बताया था, करोड़पति की बेटी, याद है? मुझे नहीं सुनना उसके बारे में। क्या नाम है उसका? लुसियाना। मुझे नहीं सुनना उसके बारे में। पूरा नाम क्या है? सिंपल सिंपल, लुसियाना सिंपल। खाना बनाना आता है? खाना बनाना? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया जिसके घर में अनगिनत नौकर हो वो अपना खाना खुद क्यों बनाती है, वो भी ठोस सोने के स्टोव पर। बेवकूफ है, और बेवकूफों में मेरी कोई रुचि नहीं है। ना ही मेरी है। गुड डे। गुड डे। भूलना मत हारमोनिया गार्डन्स। और हाँ, शाम के लिए कहीं से अच्छे कपड़े उधार ले लेना, हर बात देखती है वो। टॉली लिवाय, तुम औरत हो या सिर दर्द? होरेस वैंडरगेल्डर, इससे प्यारी बात तो तुमने आज तक नहीं कही। Break of 12 minutes. Request you to kindly proceed to your left for tea and snacks.